मोंटे मैक एल टैबलेट, इसे मैकोलाइड फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। इसका जो वन स्ट्रिप का पैक रहता है उसकी जो कॉस्ट रहती है 135 से ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो लेवोसिट्राजिन 5 mg है, मेटल्लोकास 10 mg है। इसका इस्तेमाल किया जाता है एलर्जिक कंडीशन में। तो कब डॉक्टर आपको इसे रिकमेंड करते हैं, कब आपको इसे लेना चाहिए, किस तरह की समस्या बनना चाहिए, क्या फ़ायदा मिलता है, क्या साइड इफेक्ट देखने को आ सकता है, और जैसे कि आप ले रहे लेते जा रहे हैं तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर आप पूरी जानकारी हिंदी में रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और फ्यूचर में आप अपडेटेड रहना चाहते हैं बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोंटे मैक एल टैबलेट, इसका इस्तेमाल किया जाता है एलर्जिक कंडीशन में। जब आपकी नाक बहती है, नाक से पानी आता है, बार बार छींक आती है, और आपको नाक आँख में खुजली होती है, और जैसे कि आपका जो श्वास नलिका है उसमें सूजन आ रही है, या आपको आँख आ गई है यानी कंजक्टिविटी हो गई है तब, या आपको स्टफिनस है, तब डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। जब आपका एयरवेज में सूजन आ जाता है जिसके वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, तब इसके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूल है ये बहुत सुपर्ब है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। मेटल्लोकास ये जो कि एक ल्यूकेट्रिन है, तो जो आपके एयरवेज में जो इन्फ्लामेशन रहता है, सूजन रहती है, उससे कम करता है, जिसकी वजह से आपका सांस लेने में जो तकलीफ हो रही थी वह कम हो जाती है, और आप प्रॉपर ईजी वे से सांस लेने लगते हैं। और लेवोसिट्राजिन एक एंटी हिस्टामिन है, तो यह हिस्टामिन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से आपका जो नाक बह रही है, नाक से पानी आ रहा है, बार बार छींक आ रही है, और स्वेलिंग, इचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग है, उसे कम करने में हेल्प करता है। कंजक्टिविटी, स्टफनेस को भी कम करने में हेल्प करता है। इसका जो डोज रहता है वो 2x डेली डोज रहता है, मॉर्निंग और इवनिंग। इसे खाना खाने के पहले या बाद में ले सकते हैं, जहाँ तक वो आप खाना खाने के बाद में लें। अगर कोई डोज मिस कर जा रहे हैं तो आप डबल डोज लेने की कोशिश ना करें, बंद करने से पहले भी डॉक्टर से आप इसे ज़रूर बताएं। जब तक डॉक्टर आपको रिकमेंड किया तब तक ज़रूर आप इसे कैरी करें। तो मोंटेमैक एल टैबलेट को लेने और ख़रीदने, परचेज करने से पहले आप एक बार डॉक्टर से जरूर इसके बारे में डिस्कस करें, उसके बाद ही लें। यह वीडियो एक एजुकेशन नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। अगर आप खुद से लेंगे तो हो सकता है आपको कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको उल्टी आ सकती है, जी मचला सकता है, सर दर्द हो सकता है, पेट में गैसेस बन सकती है, चक्कर आ सकते हैं, और मुंह में पानी की कमी महसूस कर सकते हैं आप, नींद ज़्यादा आ सकती है, स्किन रैसेस हो सकते हैं। तो अगर आप चैनल और वीडियो पर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो आपको जरा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, इंकरेज करना चाहते हैं ताकि मैं आपको ऐसे ही अपडेटेड रखूँ नई नई मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा इंकरेज मिलता है। आपका सपोर्ट देख के, फैमिली सपोर्ट देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपका डाउट है डायरेक्ट वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखें।